वेलकम टू इंडिया सर्च करें। आज का रंग साफ करने का तरीका है, रंग साफ करने का जो उपाय है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आज वाले उपाय में हमने जो जो सामान लिया है पहले वो नोट कर लीजिए आप। पहले मैंने एक चम्मच इसमें ओट्स लिए हैं, एक चम्मच ओट्स लिए हैं मैंने, और तीन चम्मच मिल्क, कच्चा मिल्क लिया है, 6-7 केसर के धागे और एक चम्मच हल्दी मैंने इसमें ली है। देखिए मैं सब सामान आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। मिल्क जो है वो कच्चा लेना है, कच्चे दूध में स्किन को साफ करने के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ओट्स जो है आपकी स्किन को स्मूथ बनाने का काम करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये स्किन को बिना किसी नुकसान पहुंचाए साफ करने के लिए। इस तरीके से आप अपने जो बहुत ही डेलिकेट स्किन वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा तरीका है ये। तो आप देखिए मैं अभी ये कैसे बनाया है मैंने थोड़ा मैंने पहले भिगो के रख दिया था सब चीज़ों को। ये दिखाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। मैंने इसमें ओट्स डाले हैं एक चम्मच और 3 चम्मच दूध डाला है खरल में, और 6-7 केसर के धागे और 1 चम्मच हल्दी मैंने इसमें यूज़ की है। सबको मिला करके मैंने अच्छे से, देखते जाइए पूरा देखिए, फिर मैं आपको इसमें और उपाय बताऊंगी कि कैसे आपको करना है पूरा तरीका। ये आपके 20 मिनट जो है, अगर आपके 20 मिनट लगते हैं तो इससे आपका हजारों रुपए का फेशियल बच सकता है। जो फेशियल आप मार्केट में हजारों रुपए में कराते हैं, ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ अगर आप ये कर लेते हैं 6 या 7 दिन में एक बार आप इस फेशियल को कर लीजिए, आपको किसी भी ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केसर हमने बेबी केसर लिया है, आप कोई भी केसर ले सकते हैं, पतंजलि का केसर भी ले सकते हैं आप, कोई भी जो अच्छा मार्केट में उपलब्ध हो कहीं भी मिल जाता है। पंसारी की शॉप पे केसर अच्छा शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध केसर मिल जाता है। देखिए मैं अप्लाई करके बता रही हूँ, मैंने अपने हाथ पे इसको अप्लाई किया है। आप देखिए ये भी जो स्किन में कितना चेंज आपको दिखेगा, राउंड राउंड शेप में। आप इसको 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल हल्के हाथ से राउंड शेप में मसाज करेंगे। जो राउंड शेप में मसाज करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे। इसमें आप आईज के जो डार्क सर्कल वाला पार्ट है वहाँ पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रबिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपकी स्किन में झुर्रियाँ आ जाएंगी, रिंकल्स आ जाएंगे। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये काली गर्दन और काली कुंडली साफ करने में बहुत उपयोगी है। इसे आप किसी भी तरह की स्किन पे यूज कर सकते हैं, खासकर अगर ड्राई स्किन है तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी विधि और स्मूथ बिना किसी नुकसान के। अगर आपको स्किन एलर्जी है तो थोड़ा सा पहले हाथ पे टेस्ट कर लीजिए, फिर आप इसका यूज़ कीजिए। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, मेरा बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ। आज मैंने टिप्स में आपको अपनी टिप्स बताती रहती हूँ, तो बहुत ही अच्छी टिप है ये, मैंने नेट पे पहली बार बताई है। अगर आपको ये टिप अच्छी लगती है तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करने से बढ़ती हैं, उनका सभी को अच्छा फल मिलता है। तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। किसी के लिए स्किन अच्छी होती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। देखिए मैंने वॉश कर दिया है, आपने पहले वाला देखा था और अब देखिए दोनों में कितना फर्क दिखाई दे रहा है। तो देखिए स्किन जो है एक ही बार के 2-3 मिनट मैंने केवल किया है। इसको हाथ पे लगाने के या फेस पे लगाने के बाद 10 मिनट तक, 5 मिनट पहले
पहले मसाज करनी है फिर सुखाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।